नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, किशोर गजेरा यूट्यूब चैनल में आप सबनो स्वागत है। आपणे अभ्यास करी रह्या छीए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एनो एग्जांपल नंबर छे 80। डेटा अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ आउटपुट इन अ फैक्टरी इज एज फॉलोस। एक फैक्टरी ना डेटा तमने नीचे आपवामां आव्या छे स्टैंडर्ड कॉस्ट ना। मटीरियल, सॉरी पहला मैं अंडरलाइन करजे, कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। अ यूनिट એટલે એક યુનિટ ઓફ પ્રોડક્શન, એટલે એક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્શન કરવું હોય એક યુનિટનું તો મટીરીયલ 10 કિલોગ્રામ જોઈએ, એનો રેટ રહેશે 25 પર કિલોગ્રામ, એટલે 215 કોઈ જરૂર નથી, અને લેબર 40 અવર્સ કરવી પડે, 40 કલાક મજૂરી કરવી પડે, અને એનો રેટ રહેશે 4 પર અવર્સ એક સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્શન યુનિટનું કરવું હોય તો। ડેટા અબાઉટ એક્ચ્યુઅલ કોસ્ટ, અન્ડરલાઈન કરજો, એક્ચ્યુઅલ પ્રોડક્શન 600 યુનિટ્સ। તો ફરી વખત, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 यूनिट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन 600 यूनिट, बोथ प्रोडक्शन आर डिफरेंट। એટલે મટીરીયલ માટે સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી ઓફ એક્ચ્યુઅલ પ્રોડક્શન શોધવું પડે અને લેબર માટે સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ ઓફ એક્ચ્યુઅલ પ્રોડક્શન શોધવું પડે। એ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્શન એ સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોન્ટિટી, તો એક્ચ્યુઅલ પ્રોડક્શન એ કેટલી, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્શન એ સ્ટાન્ડર્ડ અવર્સ, તો એક્ચ્યુઅલ પ્રોડક્શન એ કેટલા, આવું સ્ટેપ મૂકવાનું। एक्चुअल मटेरियल से 5500 किलोग्राम, इन एक्चुअल रेट से 30, एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल अवर्स से 20000 एंड एक्चुअल रेट 5.50। कैलकुलेट मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, फिर एक बात याद रखो, स्टेप मुकवानो के स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 पहलू जी दूसरे ने ऑफ अ यूनिट, अ यूनिट इले सिंगल यूनिट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 किलोग्राम्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 600, तो कितना, तो इन माटे अमाउंट आवशे 6000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इन स्टैंडर्ड प्राइस से 25, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी से 5500 एंड एक्चुअल प्राइस इज 5.50, सॉरी 30, एक्चुअल प्राइस 30, 30। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 6000 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 25, एक्चुअल क्वांटिटी 5500 इनटू एक्चुअल प्राइस 30 इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1,65,000 माइनस 15,000 अनफेवरेबल। प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी 5,500 स्टैंडर्ड प्राइस 25 एंड एक्चुअल प्राइस 30। 5,500 minus 5 is equal to minus 27,500 unfavorable, and material uses variance is equal to standard price, standard quantity minus actual quantity, standard price 25, standard quantity 6,000, एक्चुअल क्वांटिटी 5,500, 25 इनटू ब्रैकेट 500 इज इक्वल टू 12,500 प्लस फेवरेबल, એટલે માઈનસ 27,500 માંથી 12,500 માઈનસ કરો એટલે માઈનસ 15,000 મળે। Now, labor variance is standard hours of actual production. First of all, standard production is standard hours.
तो एक्चुअल प्रोडक्शन है कितना, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 1 तेरा स्टैंडर्ड अवर्स 40, एक्चुअल 600 है कितना, इज इक्वल टू 24000 स्टैंडर्ड अवर्स। स्टैंडर्ड रेट आईपो से 4, एक्चुअल अवर्स से 20000, 20000 एक्चुअल अवर्स एंड 5.5 एक्चुअल रेट 5.5। नाउ लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड अवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल अवर्स इनटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड अवर्स 24000 इनटू स्टैंडर्ड रेट 4, एक्चुअल अवर्स 20000 इनटू एक्चुअल रेट 5.50 is equal to 96000 minus 110000 is equal to minus 14000 unfavorable. Next, labor rate variance is equal to actual hours standard rate minus actual rate, actual hours 20000, standard rate 4, actual rate 5.50, 20000 minus 1.50 and minus 30000 unfavorable. Labor efficiency variance is equal to standard rate, standard hours, actual hours. Standard rate 4, standard hours 24000 minus actual hours 20000, 4 into bracket 4000, 16000 favorable, minus 30000 माथी 16000 प्लस करो इतले minus 14000 आ। थैंक यू फ्रेंड्स।